Hi guys, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hi everyone, कैसे हो आप सब? आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 10:45 और नीचे पापा आए हैं. पता नहीं क्यों आए हैं. मैंने उनको ऊपर बुलाया, उन्होंने बोला कि सुबह का टाइम है और काम पे जाना है तो तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ. कुछ काम होगा शायद, मुझे नहीं पता, देखती क्या काम है. तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है और ज़ुकाम है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, खांसी आ रही है. मम्मी का भी यही हाल है सेम, और कुदरत भगवान जी की दया से वो ठीक है बिल्कुल. खेल रही थी अभी, उसको मैं मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ. अभी देखते पापा आए अभी. माँ का प्यार आया है, यही फायदा होता है घर पास में होने का. एक्चुअली मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की भी नहीं है, तो मम्मी ने सोचा कि कुछ बना करके भेज देती हूँ. पता नहीं मुझे इसमें क्या है क्या नहीं, इतना सब कुछ भेज दिया. तो पापा भी यही दे करके गए हैं यार. बस यही फायदा है घर पास में होने का, लेकिन इतना भी पास में नहीं है हमारा घर, 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं. बट स्टिल अनबॉक्सिंग शुरू करें. ओ माई गॉड, एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना बड़ा ही मुश्किल है, चाहे वो पीयर पैकेज हो चाहे हो खाने का डब्बा. और इसमें जी देखते हैं क्या है. इसमें मम्मा ने भेजे हैं मिर्ची का अचार, वाओ. लेकिन अभी इसे कोई भी नहीं खा पाएगा क्योंकि गले वाले सबके ख़राब हैं. तो जैसे ही ठीक होंगे हम दोबारा से इसे खाएंगे. मम्मा ने देखो यहाँ रोटी भी भेजी है, परांठे भेजे थे 4-5 मेरे और मम्मी के लिए, नाश्ते का पूरा इंतज़ाम करके भेजा था. और इस डब्बे में थे आलू की सब्ज़ी, जो टमाटर वाले आलू होते हैं ना, इसमें वो थे. ये इतने यमी होते हैं ना, मतलब मम्मी के हाथ की तो हर चीज़ ही मस्त होती है यार. और ये आगे जो है वो भेजा है मम्मी ने आइसक्रीम का डब्बा भेजा है, और मदर डेरी की आइसक्रीम है ये. ओह माय गॉड, स्कैम हो गया. आइसक्रीम के डब्बे में मम्मी ने राइस भेजे हैं. यार गले ख़राब है तो कहाँ से मम्मी भेजेगी आइसक्रीम, है ना. और नेक्स्ट वाले डब्बे में हैं छोले, काले वाले छोले हैं. इसमें गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है यार. सुबह सुबह लगता है मम्मी ने इतना सब कुछ बना दिया, पता नहीं यार मम्मी मेरे लिए सुबह सुबह इतना काम करके, मतलब इतने मेहनत करके इतना सब कुछ भेजा है मम्मा ने. थैंक यू मम्मा. मम्मी ने इतना सब कुछ भेजे, थैंक यू मम्मी. मास्क वाली पारी मम्मी, लव यू मम्मी. मास्क वाली फ्लाइंग किस मम्मी. चलो यार थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं. पापा ने मुझे बोला कि थोड़ी सी ना विटामिन डी लो धूप से कुछ जितना हो सके, तो अब मैं वही करूँगी थोड़ी देर. हाँ जी 11 बज गए, और हाँ नहीं 12 बज चुके हैं. 11 कहाँ बोल रही हूँ, 12 बज गए हैं. कमरे में मैस फिर से हो गया कि अभी अभी कुदरत को नहलाया है. और आपको पता है कि बच्चों को नहलाना मतलब किसी मगरमच्छ को काबू करने जैसा है. लाइक सीरियसली वो कपड़े बहुत ही मुश्किल से पहनती है, उसे नहलाना आसान है, वो नहाते हुए बिल्कुल नहीं रोती, लेकिन कपड़े पहनते हुए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है. और 12 बज गए जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कमरे की हालत थोड़ी सी मैं ठीक करके अभी नहाने जाऊँगी कुदरत मम्मी के पास. ऊपर धूप में है और बोला भी नहीं जा रहा, सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है. चलो फटाफट से काम करके ना मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. मैं अभी नहाने लगी हूँ और मेरे ना एक दिमाग में एक बात आई जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर करनी चाहिए. एक सेकेंड, नलका बंद कर दिया. वो बात ये है, सर्दियाँ चल रही हैं और हम सब गीज़र के पानी से नहाते हैं, है ना, और धुआँ उठता है पानी में, जैसे कि इस पानी में उठ रहा है अभी. पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखो, ये देखो है ना, धुआं उठ रहा है. तो मैं आप सबको ये बोलूँगी कि जब भी आप सर्दी में नहाते हो ना कोई रोशनदान या फिर कोई खिड़की वगैरह ज़रूर ओपन कर देना. जैसे ये हमारी खिड़की है ना,
यहाँ पे हमने ये कार्डबोर्ड की शीट्स लगाई हुई हैं। हम क्या करते हैं, हम ये टेम्परेरी काम करते हैं यहाँ पे सर्दियों के लिए, सिर्फ सर्दियों में, और गर्मियाँ जैसे ही आएंगे हम इस कार्डबोर्ड को रिमूव कर देंगे। एक्चुअली जब भी मैं नहाती हूँ तो मैं ये जो खिड़की है ये हल्की सी ऐसे करके खोल लेती हूँ, ठीक है। उसका जो कारण ये है, जब भी आप नहाए ना, जसप्रीत का फोन आ गया था बीच में, तो जब भी आप नहाए खिड़की जरूर खोलें। उसकी जो कारण ये है, एक बाथरूम के अंदर ना गैस फिल हो जाती है, और उसका गैस का जो नाम है वो है मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। और उससे क्या है, उस गैस से हमारा दम घुट सकता है, हमारी छाती में जलन हो सकती है, दर्द हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जब भी आप नहाओ सर्दियों में स्पेशली, तो आप थोड़ी सी जो खिड़की है या रोशनदान है वो आप खोल दो, ताकि जो गैस है वो बाथरूम के अंदर ना भरे। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके बाथरूम के अंदर कोई रोशनदान में या फिर कोई खिड़की नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोल करके नहा लो, अगर घर पर कोई नहीं है तो। ये अगर पॉसिबल नहीं है तो एक तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, वो ये है, पहले आप टब भर लो पानी का, उसके बाद आप नहाने जाओ, ठीक है जी। तो ये आप अपना हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि मैं अभी ग्रीन टी पी रही हूँ, नहा लिया मैंने। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, और तबीयत वगैरह ख़राब हो तो ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। तो इसके अंदर ना मैं शहद डाल दूँगी थोड़ा सा, वैसे मैं ग्रीन टी कभी भी शहद डाल करके नहीं पीती हूँ, क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो शहद जो है वो हेल्प करेगा गला ठीक करने में, तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा शहद जो है ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी ही लूँगी, पानी, शहद और ग्रीन टी लूँगी बस। अभी काम वाली आंटी जो है वो काम कर रहे, फिर हम ऊपर जाएंगे छत पे। काम कर रही है अभी आंटी, चलो जी ऊपर चलते हैं छत पे। हाँ लगाया है, नहीं चैनल पता हो तो कब है ना, ऐसे कैसे पता लगे कौन से चैनल। कुदरत मैडम को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मम्मी छत पे आराम से क्यों बैठी है। मैडम ऊपर पहले तो रोने लगी, फिर उसके बाद मैडम ने पॉटी कर दी, तो फिर मैंने सोचा यार मुझे बैठना ही नहीं है छत पे, इसे लेके मैं नीचे ही चलती हूँ। अभी इसको फीड कराऊंगी और इसे सुलाऊंगी, अगर ये मैडम सोती है तो। ये देखो मैडम, पाँच बज गए और कुदरत सो रही है, मैं भी सो गई थी खाना खा के। 5:30 हुए हैं, क्या चाहिए? और चलो चलते हैं अभी बाहर, चलते हैं चाय शाय बनाते हैं और पीते हैं। ये बॉक्स आया है जी वनालिया की तरफ से, मैंने इसको ओपन नहीं किया अभी तक, देखते हैं क्या है। जो वनालिया है, जो वनालिया ब्रांड है, ये बहुत ज़्यादा सेफ है हमारे हमारे लिए, क्योंकि प्योर है और ऑर्गेनिक है। और वनालिया वाले जो भैया हैं ना, जो ओनर हैं इस ब्रांड के, इतने अच्छे हैं ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में। हर साल वो मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स भेजते हैं। अभी ये एक पैकेज है और दूसरा जो पैकेज है वो ट्रांजिट में है, 1 या 2 दिन में वो भी आ जाएगा। और ये इनकी पैकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि क्या ही बताऊँ, मतलब 2-3 बंदे चाहिए इसे खोलने के लिए। मैं सोच रही थी कि इसे मैं मतलब थोड़ा ढंग से खोलूँ, लेकिन ये पैकिंग वो कातिल वाला काम होता है ना, एकदम क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड, वो उस तरीके से खुलने वाला पैकेज है। देखती हूँ अभी, खोलती हूँ इसको मैं।
ये है ऊपर ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इसकी एक ये शॉर्ट वीडियो है ना यूट्यूब के ऊपर, वो आएगी अनबॉक्सिंग की, छोटी सी वीडियो, एक यहाँ कुछ सेकंड की वीडियो होगी, तो वो मैं डाल दूँगी। आजकल मैं ऐसा करने वाली हूँ, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो होती है ना यूट्यूब पे, वो मैं पोस्ट करूँगी अनबॉक्सिंग की, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये मैं उधर डालूँगी, मतलब यूट्यूब पर ही जाएगी लेकिन अलग से जाएगी। चलो जी, इसकी एक जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो मैंने पोस्ट कर दी है यूट्यूब पर। जितने मेरे पैकेज आते हैं वो मैं यहीं पर संभाल करके रख देती हूँ, फिर उन्हें मैं धीरे धीरे ट्राई करती रहती हूँ, फिर उसके बाद आपको रिव्यू देती रहती हूँ। तो ये अभी मैंने यहाँ रख दिया है, इसको मैं ट्राई करूँगी, फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी। मैं अभी इतने मज़े से लेटी हुई थी, मेरा सर दुख रहा था, लेकिन जसप्रीत ने मुझे बुला लिया, फ़ोन आ गया उनका कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, प्लीज़ नीचे आ जाओ। मैं बहुत मुश्किल से उठ करके नीचे आई हूँ, कैप पहनी हुई थी मैंने, वो तो उतर गई, मेरे साथ कुदरत भी खेल रही थी। मैं बहुत मुश्किल से, मतलब कह लो कि जी रही हूँ, मैं उसको हक नहीं कर पा रही अच्छे से, कुदरत को ना उसे मैं किस कर पा रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है जीना भी। तन पता भी मैं लेटी हुई सी इन्हें अच्छे तरह ना, ओ तन पता भी मैं लेटी हुई सी, तुसी आके मैंने परेशान करता। की है केड़ा सामान है जेड़ा तुसी चुक, एक सारा नहीं चुकाऊंगी, जो मेरे फेवरेट चीज जो लेके आए वो दो। अच्छा बाकी, बाकी आप उठाओ। हटाओ 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 यार, ये जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही है आपकी, मेरे को भी ले दो यार ऐसी। यार ऐसी जैकेट मुझे भी ले दो यार, ये बाहर से आई है। बाहर से कहाँ से? विदेश। विदेश, शक्ल दिखाना जरा, विदेश वाली शक्ल दिखाना। जैकेट विदेश से आई है, शक्ल तो देसी है। अच्छा, ठंड लग रही है यार, चल सामान चुको ना यार, चल प्राइस उन्हें खोल दी मैं चार। हाँ पक्का, तानू याद सी ना, तने इधर देख ले मैं। अच्छा ऐस लाइट नहीं बंद करनी, चल लेंगे, ठंड है बाहर है ना बहुत ज़्यादा। अरे मैं नहीं दबदी, की कर रही है यार, अच्छे लग रहे हो ता मैं दबदी, मुझे हट जा। बस यार का हटाता फोन परेशान हो, ये क्या ला पपीता? हाँ दादा ही नहीं देता है। अच्छा उनको पता होगा ना आपको पॉटी नहीं आ रही चार दिन, अबे मुझे तेरे लिए दिया। अच्छा मेरे को रोज पॉटी आती है। कल थोड़ी छुट्टी, मसाला और पालो नहीं तो मैं थोड़ा पाया, झूठे नहीं करो, मसाला लगा रही है, तू ले लो ना वो दे दे भाई। दस बज गए हैं और अभी खाना वाना हो गया और गाजर का हलवा हलवा हरवा हरवा गाजर का हलवा बनाया है मम्मी ने। या हद है यार, देखना ज़्यादा गर्म तो नहीं, ज़्यादा ही गर्म है।
यार देखना, शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया मेरा हलवा। धुएं निकल रहे हलवे में से। एक चम्मच और दे रही। यार मैं दे रही। और ले यार अपना प्लेट भर के खाई है। मैं दे रही। दे दे जल्दी। नहीं दूंगी। खोला होगा मैं तेरे को। वेल ना। ए हाथ ना कि मुंह बना रही है। और ले। सो मैं अभी खा लूँ अपना हलवा और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।